हेलो फ्रेंड्स, गर्मी आ गई है और ड्रिंक तो बनती है, तो आज ये टेस्टी टेस्टी ड्रिंक मैंने कैसे बनाई है पूरी वीडियो के साथ मैं आई हूँ। तो गर्मी में ठंडी ठंडी ये ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है, तो देखिए मैंने किस तरह से बनाई है। तो इसे बनाने के लिए हम एक कप ले लेंगे मिल्क पाउडर, एक कप चीनी और ढाई कप के लगभग कॉर्नफ्लोर। इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये फ्लेमिक्स बन गई है। अब इससे बनाएंगे हम अमूल कूल, बिल्कुल मार्केट वाला अमूल कूल। तो ये मैंने पतीले चढ़ा दिया है, इसमें आधा गिलास पानी डाल दूंगी। तो इसे एक लीटर के लगभग दूध हम गरम कर लेंगे और इसी में से मैंने ये थोड़ा बचाया है, तो तीन चम्मच मैंने ये पाउडर ले लिया है जो अभी हमने बनाया है, और यही वाला दूध इसमें धीरे धीरे डालेंगे। लम्स ना बने इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाल रखा है। तो इसको ये रूम टेम्परेचर पे है दूध, गर्म नहीं है, ठंडा दूध डालना है। तो इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। तो देखिए अब बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें, तो डाल दूंगी ये बचा हुआ दूध भी इसमें। तो इसी दूध में से मैं दो चम्मच ले लूंगी दूध, वो किस लिए अभी बता। तो ये कोको पाउडर है, तो इसके मैं तीन चम्मच के लगभग इसमें मिला दूंगी, जो ये दो चम्मच दूध निकाला था। अभी इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो मुझे कम लग रहा था दूध, तो मैं दो चम्मच और डाल लिए और इसे अच्छे से फेंट कर इसे एक लिक्विड का रूप दे दिया। तो अब इसे एक साइड रख देंगे। अब जो हमने पाउडर वाला दूध बनाया था उसे हम, जो उबल गया है हमारा गैस पर दूध, उसमें डाल देंगे धीरे धीरे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है तो इसलिए धीरे धीरे इसको चलाते हुए डालेंगे। तो दूध में उबाल आ गया है, अब कर देंगे इसमें गैस ऑफ इस स्टेज पे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे एक तरफ। इस तरह अमूल कूल बनाने के लिए हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कई फ्लेवर्स आते हैं मार्केट में, जैसे कलर्स आते हैं, हम कई कलर्स में बना सकते हैं, या फिर एसेंस आते हैं, वनीला एसेंस, पाइनएप्पल एसेंस वगैरह, तो उसका फ्लेवर भी डाल सकते हैं अलग अलग। और आते हैं क्रश, आते हैं कई फ्लेवर में क्रश आते हैं, गुलाब की, रोजमेरी का कुछ भी एसेंस आता है या क्रश आता है। तो इस तरह से कुछ भी हम डाल के उसका फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही सबसे ज्यादा जो बच्चों को पसंद होता है वो होता है चॉकलेट फ्लेवर, तो मैं तो आज चॉकलेट फ्लेवर वाला बना रही हूँ। चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा पसंद होता है बच्चों को। तो इस तरह से अब गर्मियों में कोई भी ड्रिंक बन सकता है। तो पाउडर फॉर्म में बना के रखिए, मैंने भी ये बना के रख लिया है पाउडर फॉर्म में। तो इस तरह से बना के रख लें, तो कई आइसक्रीम या इस तरह के ड्रिंक्स वगैरह बना आराम से जल्दी से जल्दी बन सकता है और हम कभी भी पी सकते हैं। तो चलिए अभी ये बनाने चलते हैं। तो ये दूध थोड़ा ठंडा हो गया है, अब डाल देंगे जो हमने कोको पाउडर बनाया था, कोको पाउडर से लिक्विड बनाया था वो डाल देंगे धीरे धीरे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से तो मैं एक ही फ्लेवर में बना रही हूं आज, क्योंकि आज इस समर का ये फर्स्ट ड्रिंक है। तो चोको पाउडर से ही शुरुआत करती हूँ चॉकलेट फ्लेवर। तो ये बना देते हैं और अभी इसको डाल देते हैं शीशी में। तो डाल देंगे इन शीशियों में,
अब रख देते हैं इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रिज में। बहुत बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया। आप इस तरह से बच्चों को अगर आप पिलाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और 10/10 नंबर देंगे आपको। बहुत अच्छी ड्रिंक बनी है ये, चॉकलेट ड्रिंक। आप इसी तरह से आप कई फ्लेवर्स में बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है पहले, तो आप कई फ्लेवर्स में बना सकते हैं। तो बनाएं और पिलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नया दिन, नई सुबह और नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।